बीजेपी ने 23 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। दिया कुमारी को राजसमंद से दिया टिकट, तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी को दिया गया है टिकट। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया को बनाया गया प्रत्याशी। भरतपुर लोकसभा सीट से रंजीता कोहली को टिकट दिया गया। दौसा लोकसभा सीट पर सस्पेंस लगातार बरकरार। दौसा लोकसभा सीट से सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दिया कुमारी को टिकट राजसमंद से दिया गया है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है और जिनको इस लिस्ट में नाम जिनका शामिल है उन्हें कहां से टिकट दी गई है और वो कहां से लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे, वो सभी नाम और जगह आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। दौसा लोकसभा सीट पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। भरतपुर लोकसभा सीट से रंजीता कोहली को टिकट दिया गया। दौसा लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार है। दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया को प्रत्याशी बनाया है, तो भरतपुर लोकसभा सीट से रंजीता कोहली को टिकट दिया गया है। क्योंकि बीजेपी के लिस्ट में कुछ नामों का इंतजार था, उसमें भी उन नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। फिलहाल 23 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और दौसा लोकसभा सीट पर सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है। उस सीट को लेकर के लगातार आलाकमान विचार विमर्श कर रहा है। मंथनों का दौर लगातार जारी है कि उस सीट पर किसे टिकट दिया जाए। तस्वीर आपके सामने, हम आपको टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता जो लोकसभा प्रत्याशी वहां पर रहेंगे उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। कांग्रेस से संजय कुमार जाटव और बीजेपी से मनोज राजौरिया को करौली धौलपुर से टिकट दिया गया है। बाड़मेर से कांग्रेस में मानवेंद्र सिंह और बीजेपी से कैलाश चौधरी आपके सामने है। राजसमंद से कांग्रेस में देवकी नंदन गुर्जर और बीजेपी से दिया कुमारी आपके सामने है। कांग्रेस से अभिजीत कुमार को और बीजेपी से रंजीता कोहली को टिकट दिया गया है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो 5 सीटें हैं उनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से कौन कौन प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर उनका नाम और उनकी जगह हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाजपा की नई सूची में नाम जो शामिल हुए हैं उसको टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। राजसमंद से दिया कुमारी को देवकी नंदन गुर्जर उनके सामने, सवाईमाधोपुर से रह चुके हैं विधायक जो दिया कुमारी हैं, सवाईमाधोपुर से विधायक रह चुके हैं। पूर्व जयपुर राजघराने से राजकुमारी दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। पूर्व महाराजा सवाई सिंह की पुत्री हैं दिया कुमारी। 10 सितंबर 2013 को राजनीतिक पारी की उन्होंने शुरुआत की थी। 2013 में सवाईमाधोपुर से चुनी गई थी विधायक। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राजसमंद से उन्हें मौका दिया है और वो मौका पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगी। एक बार फिर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दोनों पार्टियों की ओर से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं उनकी तस्वीर उनके नाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ में जहां से उन्हें उतारा गया है मैदान में वो लोकसभा क्षेत्र भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि राजसमंद से एक तरफ दिया कुमारी हैं तो एक तरफ देवकी नंदन गुर्जर को टिकट दिया गया है। वहीं भरतपुर से भी टिकट दिया गया है। रिया कुमारी को राजसमंद से टिकट देकर के एक बार फिर मौका दिया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को टिकट नहीं दिया गया था। वो शायद हम ये कह सकते हैं कि दिया कुमारी को टिकट इसलिए दिया नहीं गया होगा क्योंकि उन्होंने लोकसभा के लिए दिया कुमारी को बचा कर रखा होगा। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल, 5 जो सीटों के नाम लगातार बीजेपी ने जारी किए हैं इसमें दिया कुमारी को भी राजसमंद से टिकट दिया गया है।
दिया कुमारी को टिकट देना, हालांकि 10 दिन से चर्चा में भी था, दिया कुमारी खुद भी आश्वस्त थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और अंतर्जन को दे दिया गया। ये बड़ी अप्रत्याशित घटना है कि जयपुर के राज परिवार की एक सदस्य को मेवाड़ में टिकट दिया जाए राजसमंद में खासतौर पर, और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मेवाड़ की और जयपुर की राजघराने की उसको देखते हुए भाजपा का एक बड़ा साहसी कदम है और दिया कुमारी को एक मौका मिला है कि मेवाड़ के साथ जो दूरी है जयपुर राजघराने की उस दूरी को पाट सके, उस दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर सके जो सदियों से चली आ रही है। तो अब मेवाड़ क्षेत्र दिया कुमारी का स्वागत करता है, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी, बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा। राजसमंद जिस क्षेत्र में वो जाकर चुनाव लड़ रही उसी क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहीं जाकर वो अब वोट मांगेगी। तो ये सभी के लिए देखने योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य बात होगी कि सदियों से चली आ रही दूरी को क्या मेवाड़ के लोग भूल जाते हैं और क्या दिया कुमारी अपने स्नेह से, अपनी आत्मीयता से, अपनी विनम्रता से मेवाड़ के लोगों का दिल जीत पाती है। हालांकि ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिया कुमारी को टिकट देने के पक्ष में नहीं थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके बावजूद दिया कुमारी को आला कमान ने टिकट दे दिया है। कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से दिया गया, वहां चर्चा थी कि महेंद्र चौधरी पूर्व IPS को दिया जाएगा, कर्नल सुनाराम को टिकट नहीं दिया जाना पहले से था, पर महेंद्र चौधरी जिन्होंने हाल ही में VRS दिया है उनको नहीं देखे। कैलाश चौधरी जो पार्टी के कार्यकर्ता भी है, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी है, पहले एमएलए रह चुके मायपुर से और अशोक गहलोत के मुखर विरोधी है, उन्हें मानवेंद्र सिंह के मुकाबले उठाया है। मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद पूर्व विधायक, तो वहां मानवेंद्र सिंह बनाम कैलाश चौधरी फाइट हो गया और राजसमंद में देव की काका देव की गुजर CP जोशी के दाएं हाथ माने जाते हैं उनका मुकाबला अब दिया कुमारी से होगा। इसी तरह मनोज राजौरिया सांसद हैं इस वक्त, उनको करौली धौलपुर से फिर टिकट दे दिया गया है, लेकिन भरतपुर में टिकट बदला गया है और रंजना कोडी को दिया गया है जो गंगाराम कोडी पूर्व सांसद की पुत्रवधू है। एक राजनीतिक परिवार में टिकट गया है, ये कदम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जाटव को टिकट दिया है, करौली धौलपुर और भरतपुर, जबकि BJP ने यहाँ कोहली को दिया गया है और कोहली उनको बैलेंस करते हैं जाटों को, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण की दृष्टि से भी कोहली को टिकट दिया ना भाजपा को अच्छी स्थिति में खड़ा करता है। यहाँ मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि दौसा की सीट अभी भी विवाद का विषय बनी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महुआ के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश कुबला जो पहले भाजपा के विधायक थे उनकी पत्नी को टिकट दिलाना चाहती है या फिर रामकिशोर मीणा को टिकट दिलाने वाले, जबकि किरोलाल मीणा के सांसद है राज्यसभा के सदस्य है, मीणा समाज के बीच है, वो ओम प्रकाश हुडला के परिवार में टिकट को नहीं जाने देना चाहते किसी कीमत पर, क्योंकि ओम प्रकाश हुडला उनके दुर्विरोधी है, 36 का आंकड़ा है और ओम प्रकाश हुडला किरोलाल मीणा के भतीजे को महुआ से चुनाव हरा कर, किरोलाल मीणा का खुद का गाँव है वहां से उनके भतीजे चुनाव हरा कर जीते हैं, निर्दलीय विधायक है। तो प्रेम प्रकाश हुडला जो उनकी पत्नी है उनको टिकट देने की बात भाजपा में चल रही है, उस पर वीटो कर रखा है किरोलाल मीणा ने और किरोलाल मीणा गोलमा देवी को उतारना चाहते हैं या फिर कोई समझौते का प्रत्याशी निकालना चाहती है भाजपा। यहाँ बताना चाहूंगा कि कांग्रेस से सविता मीणा जो मुरारीलाल मीणा वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, उनकी पत्नी कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो भी किरोलाल मीणा के दुर्विरोधी है। तो एक तरह से कांग्रेस से प्रत्याशी भी कांग्रेस किरोलाल मीणा के दुर्विरोधी और भाजपा से जिनका नाम चर्चा में है वो भी किरोलाल मीणा की दुर्विरोधी, तो इसलिए डॉक्टर किरोलाल मीणा खुद भी राज्यसभा से इस्तीफा देकर या राज्यसभा को सीट को दांव पर लाकर BJP का उम्मीदवार बनने की पेशकश कर सकते हैं लोकसभा के लिए। यानी कुल मिला के बात की जाए तो उस सीट से भरतपुर सीट जहां पर जाटों को रिझाने के लिए उतारा गया है, यानी कुल मिला के बात की जाए तो जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रख करके उन्हें वहां से उतारा गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजसमंद की बात ज्यादातर की जाए वहां भी यही है कि भाजपा ने तय कर रखा था किसी राजपूत को ही टिकट दिया जाए जी। और राजपूत भी बड़ा नाम चाहते थे, गुलाब चंद कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और मेवाड़ की राजनीति के समझ रखते हैं,
उन पर छोड़ा हुआ था पार्टी ने, और उन्होंने ये तय कर लिया था कि राजपूत को टिकट दिया जाए, राजपूत भी बड़ा चेहरा होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, बड़ा नाम वो इसके लिए पहले राजवर्धन सिंह को पेशकश की गई थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाका जयपुर ग्रामीण नहीं छोड़ूंगा, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को पेशकश की गई, उन्होंने भी मना किया कि अपना इलाका जोधपुर नहीं छोड़ेंगे, फिर असमंजस में थी भाजपा किसे लड़ाया जाए, अंततः दिया कुमारी चूंकि टिकट के लिए बहुत ईगर थी, बहुत उनकी इच्छा थी लड़ने की चुनाव, विधानसभा चुनाव में उनका टिकट नहीं दिया गया था, तो लोकसभा चुनाव में उनको जयपुर से दिया जाता, लेकिन दो सीटों पर लगातार राजपूत नहीं दिया सकते, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से, इसलिए उन्हें कहां से टिकट दिया जाए ये पहली बना हुआ था, फाइनली राजसमंद से उन्हें टिकट दिया गया और एक बड़ा चेहरा उतारने की कोशिश, राजपूत चेहरा उतारने की कोशिश की गई है। जी अनिल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो सीट है दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया गया है, वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को भी आधार बना करके दिया गया है, और जो बीच में एक अड़चनें लगातार थी उन अड़चनों को भी कम करने के लिए दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, और ये कहे जा सकता है कि राजपूत समाज के लिए दिया कुमारी एक बड़ा नाम है, और उस बड़े नाम के अंतर्गत राजपूत समाज को टारगेट करने के लिए, वोट अपनी ओर करने के लिए बीजेपी ने राजसमंद से दिया कुमारी को टिकट दिया है।